इंदौर में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की शराबी युवक द्वारा कोशिश की गई। इसमें पुलिस ने अज्ञात शराबी युवक के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर बदमाश युवक की तलाश शुरू की है। बता दें, इंदौर शहर में पिछले दिनों सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बिगाड़ने के लिए पिछले दिनों सार्वजनिक कार्यक्रमों में देश विरोधी नारे लगाए गए थे और पुलिस द्वारा इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से 4 युवकों को गिरफ्तार भी किया था। इन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। ताजा मामले में एक शराबी युवक द्वारा सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्री राम मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति को खंडित किया गया है। शराबी युवक द्वारा काफी हंगामा मचाया गया। वहां पर जब कुछ लोग इकट्ठा होने लगे तो वह वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मंदिर में पंडित जी पहुंचे, तब बदमाश शराबी वहां से भाग चुका था, जिसे लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा सेंटर कोतवाली पर पूरे मामले में शराबी के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है और शहर की फिजा खराब न हो, इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग शराबी युवक की तत्परता से तलाश में जुटा हुआ है। भगवान राम का मंदिर है सियागंज में, तो एक कॉलर हैं वहाँ गोविंद सिंघल, जिनकी दुकान इस मंदिर के समक्ष में ही है और वे ही मंदिर के कर्ता धर्ता भी हैं। उन्होंने आज डायल 100 में फ़ोन करके बताया कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल नशे में था, झूमता हुआ आया और मंदिर में गया और फिर मूर्ति से लिपट गया और इस क्रम में मूर्ति का जो आशीर्वाद मुद्रा में उनका हाथ था, उंगलियों का, उसमें थोड़ा सा हानि हुई। फिर वो व्यक्ति बाहर निकला और बिल्कुल नशे में झूमता हुआ इनसे भी उलझा, गोविंद जी से और फिर एक और व्यक्ति से भी जो परिवार सहित जा रहा था उसके साथ भी उसने उलझा और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। पर तत्परतापूर्वक पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ एडिशनल SP और अन्य स्टाफ पहुँच के मूर्ति रेस्टोर कर दी गई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कौन है, CCTV फुटेज के आधार पर उसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है और समुचित वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, किन धाराओं में अपराध दर्ज किया गया? 153 और जो 295 और जो भी सेक्शंस उसमें हैं, प्रॉपर सेक्शंस उसमें लगा दिए हैं और उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करेंगे और वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। अभी उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी है, उसका पता करना लगाने की बात आई। ये इस प्रकार की ये बात गलत है और क्योंकि वो इतने नशे में था कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी गोविंद जी हैं उन्होंने स्वयं बताया। प्रहलाद दत्त शर्मा, 3 पीढ़ियों से यहाँ हमारी पुजारीशिप चल रही है, 125 साल से, और मैं यहाँ पर कभी मतलब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन 3 बजे आज मुझे पता चला, क्योंकि मैं 2 बजे यहाँ मंदिर करके और घर चले गया था, शाम को 5 बजे वापस खोल देता हूँ, लेकिन आज 3 बजे बाद जब 4 बजे मुझे एक व्यक्ति यहाँ के आए, बोले वो व्यापारियों में से, बोले पंडित जी आप जल्दी चलिए, मंदिर की मूर्ति किसी ने तोड़ दी है अंदर जाके। मैं उसी के साथ गाड़ी पर बैठकर यहाँ आ गया और यहाँ पे आने के बाद देखा कि यहाँ तमाम पब्लिक उसको, शायद उन्होंने बताया कि हमने पकड़ने की भी कोशिश करी तो मारा-कूटी भी करी उसने और ये सब करके, और वो भाग के निकल गया। तुरंत समिति वाले भी यहीं थे, जो मंदिर के ट्रस्टी वगैरह थे वो मेरे आने के पहले यहाँ पहुँच चुके थे, तो उन्होंने जाकर मैंने तुरंत प्रशासन को खबर करी, प्रशासन ने तुरंत आकर यहाँ पर मैंने FIR दर्ज करवाई, जिसकी काकी मैं आप लोगों को। यहाँ घटना का ये है कि राम जी की मूर्ति आया तो मैं राम जी की मूर्ति नीचे पड़ी हुई मिली थी, जिसके अंदर 5 उंगली जो आशीर्वाद देते हैं उनकी 4 उंगलियाँ खंडित थी और नाग वगैरह जो था भोलेनाथ का वो यहाँ बिखरा पड़ा था। और आके जब प्रशासन आया, जब उन्होंने सारी कार्रवाई करी और जब पूरी जांच वाँच करने के बाद फिर उन्होंने वो मूर्ति तोड़वा के पर्दे लगवा दिए थे, गेट बाद में उन्होंने किया खोल लो, नहीं ऐसा मुझे कोई है, क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं उस वक्त, तो मैं आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ। मैं तो 4 बजे जब मैं आया, जब यहाँ प्रशासन पूरी तरह से आ चुका था ट्रस्टी से, उसके बाद मुझे